गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मॉर्निंग असेंबली में मैं अर्थ जगत से जुड़ी चर्चा करूँगा। कहते हैं किसी भी व्यवस्था या मानव जाति का जो जीवन प्रणाली है, लाइफ सिस्टम, तीन बातों से प्रभावित होता है, इफेक्टेड होता है, और तीनों की अच्छी समझ होनी चाहिए। आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक कदम। अच्छी समझ व्यक्ति को स्वयं क्यों काम आती है, समाज और राष्ट्र क्यों काम आती है। आज अच्छे खासे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, अच्छी जो सर्विस क्लास व्यक्ति हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। और मैं शोध के विद्यार्थियों में से कहता हूँ, प्रमुख विषय शोध से निकल कर आता है, यूरोप अमेरिका जो आगे गए, शोध की भूमिका रही। जर्मनी, जापान, टेक्नीशियनशिप, टेक्नोलॉजी के साथ साथ टेक्नीशियनशिप में कहूँगा, वहाँ ज़्यादा थी तकनीकी कामगारों की अच्छी बड़ी संख्या। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अभी भारत 3 ट्रिलियन को पार किया, 3.1, 3.2 यानी 4 ट्रिलियन से कम है, और हमारा पड़ोसी 18 ट्रिलियन चीन यूएस डॉलर में, जो 18 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बोली जा रही है, यानी हमसे करीब 5 गुनी तो कुछ शक ही नहीं है, अगर 6 गुनी मैं नहीं कहूँ। हमारे सामने बात निकल कर आई है, हमें इस बात पर एट पार कहा जाता है कि आप धनी हैं या गरीब, आपके पड़ोसी से आपकी तुलना की जाएगी। अगर उसके पास 5 करोड़ का बंगला है, आपका अगर 1 करोड़ का भी, तो आप धनी नहीं हैं, तुलनात्मक रूप से कमजोर दिखेंगे। आप स्वयं जरूर छाती तान कर छाती पीटते रहेंगे कि मैं बहुत बड़ा हूँ, परंतु जो दूर खड़े लोग हैं उनके पास हंसने के सिवा कुछ नहीं होता कि बेवकूफ़ बना रहा है, फर्जी दावा कर रहा है, घमंडिया। आज मैं फर्जी नहीं, चीन से व्यापार जगत के संबंध हैं, हमारे सीमा विवाद को मैं एक बार अलग रखूँ, और राजनीतिक सामरिक मामले अलग हैं। व्यापार बढ़े, बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है, इकोनॉमी, अगर हमारी इकोनॉमी को बूस्टिंग मिलती है तो। पर सबसे बड़ी भारत के अर्थशास्त्रियों, आर्थिक संपादकों और राजनीतिक हस्तियों, मैं ये भी कहूँगा, अभी सिर्फ गाल बजाने का दौर नहीं है, बहुत दिन से लोगों ने फर्जी पॉलिटिक्स बोलते से, शूडो पॉलिटिक्स, नथिंग टेलिंग स्टोरी, कहानी कहकर, चुटकुले दिखाकर, नाच कर, गा कर, जो जो से गाल बजा कर, हंसा कर, इस तरह राजनीति का चलन भारत में लंबे समय से रहा है, अब वो नहीं चलेगा। दौर बदल चुका है, शिक्षित समाज तैयार हो रहा, नेताओं की नीतियां पढ़ी जा रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज आपको नीति निर्माण भी करना पड़ेगा, ये विशेष रूप दिखाना पड़ेगा लोगों को। लोगों की नजरें हैं कृषि क्षेत्र, मैंने पहले भी कहा था, बहुत सिकुड़ा, उसको सरकारों ने तबाह कर डाला अपनी बेवकूफ नीतियों से, बेकारी और ग्राम्य पलायन बढ़ाया, मैं रूरल इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, और देश के जीडीपी को घाटा हुआ। 16% के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कृषि क्षेत्र के योगदान, जिसमें भारत की बहुत बड़ी आबादी लगी हुई है, इंडस्ट्री 24 एंड सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर
जीडीपी में योगदान दे रहा है, अच्छी बात है और बढ़ी। परंतु इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को मजबूत किए बगैर देश छलांग आपकी कब, ठीक है हम जापान को पछाड़ देंगे और बहुत ही जल्दी, खैर इंग्लैंड तो पहले पीछे जाने को है, कभी कुछ आंकड़े देते रहे जर्मनी इंग्लैंड, हमारे ही तुलना यूएसए और चाइना के साथ होनी है, इकोनॉमी शॉक के दौरान आने वाले समय में, और भारतीय बौद्धिक जगत इसके लिए तैयार भी है। पर तो सरकार ये अच्छी नीतियाँ भी लेकर आए। मैं ये बताऊँ कि कल भी मैंने कहा था कि कृषि क्षेत्र को बूस्टिंग देना बहुत ज़रूरी है, बूस्टिंग कैसे आई, फ्री लोन के दम पर आई, फ्री बिजली के दम पर आई, फ्री मार्केट देकर तबाही, वो एक अलग अलग बात है कि कैसे एक बार कृषि क्षेत्र को हवा देनी ज़रूरी है, बाद में चाहे सरकार उसे ले ले, दूसरी तरह उत्पादन बढ़ेगा। तो मैंने पहले भी कहा था कि वो पैसा बाजार में आएगा प्रत्यक्ष रूप से, और काफ़ी टैक्सेस इंडस्ट्री और उन लोगों के पास आने, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो लोन सिस्टम पर मैं कहूँगा कि 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, इस तरह बड़े लोन एक आदमी के हाथ में नहीं दिए जाए, लोन को भी सस्ते लोगों को, ये छोटे उद्यमी समार स्केल के लिए भी, और अकेला कृषि क्षेत्र का फसल उगाने नहीं है, फल उत्पादन, मुर्गी पालन और डेयरिंग, डेयरिंग के लिए मैं डेनमार्क से तुलना करनी है, हमारी इकोनॉमी की तुलना पाकिस्तान से नहीं करनी जो छोटी सी इकोनॉमी में देश होती है, जो आज भी हमारी इकोनॉमी 15 गुनी बड़ी है, मुझे पता है। पाकिस्तान को रोंदने के लिए खड़ा बांग्लादेश इकोनॉमी मामले में, वहाँ के प्रधानमंत्री को रोना पड़ेगा तब, चलो चीन हमसे 3 गुना बड़ा तो है क्षेत्रफल में, पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को रोना पड़ेगा जब उससे 5वें एशिया का देश बांग्लादेश उसी से अलग हुआ था, और वो भी कौन में बहुत बड़ी छलांगी मार रहा है, बांग्लादेश की कौन तेजी दौड़ रही है, पर कैपिटल इनकम में भी हम भी 145वें स्थान पर खड़े हैं। भारतीय अर्थशास्त्रियों से कह रहा हूँ, भारतीय सरकारों से, राज्य और केंद्र की सरकारों से, मैंने कहा भी था पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स चौधरी चरण सिंह जी करते थे इस तरह की बातें, रूरल इकोनॉमिक्स पर कैपिटा इनकम और किकिंग प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी। तो एक समृद्धि, हमारे यहाँ धन भरा हुआ है, वो इकोनॉमी काउंटेबल नहीं हो रहा है, यहाँ इतना धन बहता है शायद विदेशी लोगों की पागल हो जाते हैं सुनकर, पान वाले के पास, दुकान वाले के पास क्या नहीं मिला, 177 करोड़, 500 करोड़, और ईडी जो ये रोज छापेमारी कर रही है इसके लिए साधुवाद के पात्र है, ईडी लोगों को राजनीतिक रूप से अकेले लांछित ना हो कि केंद्र सरकार की सारी परवाह नहीं, ईडी हर वर्ष श्वेत पत्र जारी करे, चोर किसी एक दल में या एक समाज में नहीं पाए जाते, चोर सभी जगह हैं, सभी जगह फैले हुए हैं। यदि कोई फर्जी झूठा बदमाश ये कहे कि चोर हमारे दल में नहीं उस दल में है, भारतीय राजनीति हर राजनीतिक दलों में जो फाइनेंसर हैं, प्रत्यक्ष अवैध संचालन, अवैध खनन, राजस्थान में कुआवत है, कांग्रेस और बीजेपी जो दो सरकारें आती हैं बारी बारी से, तो खनन माफिया और अवैध बस संचालन बहुत बड़ी मात्रा में होता है वहाँ, टूरिस्ट परमिट बनाकर और पैसेंजरशिप का जो लोग काम करते हैं वो कहते हैं कि इनके नाम बदलते हैं अलग अलग, अब उसके टाइम उसकी चलेगी, तबादलों के दलाल अलग बैठते हैं, मैं उस बात पर भी नहीं जाऊंगा। कल को ये कहेगा भ्रष्ट प्रणाली किस में है किस में नहीं, वो जनता देखेगी। मैंने ये भी देखा है जब हम मेलिंग का काम करते हैं तो कहते हैं कि बताने की जरूरत नहीं होती है, खुशबू अपने आप आ जाती है। यदि कोई ईमानदारी का है तो ज़्यादा
गाल बजाने की जरूरत नहीं, नौकरियां नहीं बेचता, मेरा दलाल नहीं चलती, लोग पकड़ कर देते हैं तो खून सब उसने काम कर दिया। लिपा पोती की शिवाय तो बेकार की यहाँ बकवास होने की जरूरत नहीं है। जनता कान खाने के लिए ईमानदारी दिखाइए, हम बता देंगे ईमानदार बन चुका है। चप्पल चोर बेकार की बातें नहीं करें, जो ईमानदारी का दौर चलेगा तो उसकी खुशबू दूर तक जाएगी। हमें पता है अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद अरावली का खनन नहीं रुका है और पंजाब जैसे राज्य ने हरियाणा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्देश के बावजूद जल नहीं दिया है। ये अच्छी बातें नहीं हैं। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मैं प्रार्थना करूँगा कि अपने निर्देश की अवमानना करने वालों पर शूटिंग प्रोग्राम जारी करें। न्याय से आस्था उठ जाएगी लोगों की। आप सेमिनार और गोष्ठियाँ करते रहेंगे, उनमें भाषण देते रहेंगे, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य प्रधान न्यायाधीश मुद्दे से भी कहूँगा, अवैध यहाँ आप स्वयं अगर न्यायिक सुधार चाहें, वो भी अर्थ जगत से जुड़ी बातें हैं, लोगों का धन न्यायालय में बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, तब हम आपको दिखा सकते हैं न्याय की हस्तियों की नियुक्ति भी आप करें जिनकी न्याय में आस्था हो। अपराध जगत से जुड़े कार्य करने वाले लोगों को दूर से पता लग जाता है कि अपराधी कौन, वैसी कार्रवाइयाँ बढ़ाएं, लोगों को दंड मिले, जल्दी मिले, फास्ट ट्रैक्स में हों, क्राइम फ्री सोसाइटी और नेशन होना भी इकोनॉमिक ग्रोथ में सहायक होता है, वहाँ निवेश आता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ रेपिंग एंड मर्डरिंग की जो एंड रोबिंग जो रोबरी के जो केस हैं, सिरे से फास्ट ट्रैक द्वारा इनको एक सप्ताह एक महीने के अंदर जो है इस तरह सेंटेंस टू डेथ का प्रोविजन बढ़ाया जाए, घटाया नहीं जाए। किडनेपिंग वगैरह जो तीन चार जो गंभीर अपराध हैं वो शासन के लिए चुनौती होते हैं। और देश में धन बहुत दबा हुआ है, ये मैं पहले कहा है, हमारी जो एजेंसियां हैं केंद्र जैसे एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट वगैरह, निश्चित रूप से चोर किसी पार्टी हो, किसी का भतीजे हो भतीजी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम ईडी के डायरेक्टर साहब की प्रशंसा करेंगे, परंतु वो ये नहीं कि पुलिस वाला एक गाड़ी को तो ओवरलोडिंग की को निकाल रहा है आँख के इशारे से और दूसरे को जब्त कर रहा है। भारत में समस्या भी यही है। मैं प्रधान न्यायपालक महोदय से कहना चाहता हूँ, अगर आप कहें तो न्यायिक प्रक्रिया की भी प्रणाली आपको दिखा सकता हूँ। आपके अधीनस्थ अदालत न्यायाधीशों की चोर प्रणाली मेरे पास उपलब्ध है। ये बाधक है कानून प्रणाली में आस्था के। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप सिर्फ भाषण से नहीं, मैं सभी लोगों से ही बात कहूँगा तो प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाएं। भगवती साहब को आज भी जानते हैं लोग, इज एक्सेस टू जस्टिस और जो भ्रष्टाचार की बातें जो चलाते रहते हैं, हमने तो आज तक कोई ये कहने वाला नहीं सुना। मैं भ्रष्ट सभी कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, पर तो ऐसी शासन प्रणाली में देखी जिसमें भ्रष्टाचार की बदबू न आती हो, ये ठीक ठाक नहीं है। बड़े अधिकारी बताते थे नाम ने छापने की शर्त पर कि इस बात को रहने दो, ये सिर्फ गरीब जनता मोबिलाइज करने के लिए पॉलिटिक्स का नाम होता है, कथनी और करने में अंतर होता है, जमीन और आसमान का अंतर होता है। कहते मैंने नहीं लिए, पूछा गया कि 19 लाख रुपीस मैदान का किराया कौन दे रहा है, तो झगड़ना शुरू कर दे, तू है कौन मुझे पूछने वाला। तो जनता को मैं कहूँगा और ये भी कहूँगा जस्ट जुडिशरी को और
मेरा मेन टॉपिक इकोनॉमिक ग्रोथ है, पब्लिक और जो न्यूली एजुकेटेड ऑफ न्यूली वोटर्स जो 18 साल से बड़े बच्चे हैं वो इकोनॉमिक बूस्टिंग पढ़ें। गाल बजाई कि अनपढ़ पॉलिटिक्स का हिस्सा था, वो लोग नहीं समझ पाते थे कि आदमी इतना मधुर नहीं है जितना मधुर बोल रहा है। ये वोट के नाम पर भैया कह रहा है, जीतने के बाद में इसको मेरे अंदर बदबू आएगी, उसी का नाम ठग होता है। तो ठग पॉलिटिक्स भारत में, किकिंग टू ठग पॉलिटिक्स, चीटिंग पॉलिटिक्स, मतदाता ऐसा चोरी और ठगी ना हो। और भ्रष्टाचार की बात मैं यही कहूँगा, यदि किसी को देखना तो आप उनके कार्यालय में फ़ोन करके देखिए किसी समस्या के लिए, जो निदेशक या मंत्री या सेक्रेटरी पाइपलाइन पर जो एक छोटे दर्जे का जो यानी मतलब सामान्य पोस्ट का, मेरा मतलब ये जो कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं उसको बैठाया जाता, वो डील करे, परंतु तो उसके बाद में संवाद के लिए आ गए। देखने में आ रहा है कि जनता और छोटे कर्मचारियों के बीच में सिर्फ बातों का एक दौर शुरू किया गया है, जिसका न कोई लेना न कोई देना है। वो या तो थोड़ी देर टिकते हैं सामने की समस्या ले, फिर या तो काट देते हैं या कहते हैं वो है नहीं, भी बिजी है। नहीं, संवाद बढ़े, कम्युनिकेशन बढ़े, आप अपॉइंटमेंट दीजिए जो लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैं अधिकारियों नेताओं से भी कहूँगा ताकि पब्लिक आपको पॉलिसीज शेयर करें, बातें करें। आप ये छिपने की परंपरा नहीं होनी चाहिए यार, इस तरह की बात है। लोकतंत्र में ये थोड़ी होता है डेमोक्रेटिक लीडर ऑफ कि कोई प्रधान, ये जरूरी नहीं कि आपका कोई वोटों का कमी रहे आपसे मिले। यदि कोई देश के मामले, राष्ट्रनीति के मामले जानता हो, कोई आदमी अच्छी बात शेयर कर रहा हो, तो आप निश्चित रूप से टाइम दीजिए, वर्चुअल मिल लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेबल पर मिला जाए, ये मेल से आस्था हट चुकी है, लोगों को पता है कि ये जरूरी नहीं कि वो मेल आप उस पर पढ़ें, रिपोर्टिंग करें या काम करें। कम्युनिकेशन का एक आधार बनता है, प्रूफ बनता है। और भ्रष्टाचार के लिए मैं कहूँगा कि भारतीय पूरी जनता को कि भ्रष्ट लोगों से आप जब नफरत करें तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और रेडी सब पर से गंजा कैसे, चोरों एक से एक गली मोहल्लों बहुत बैठे, आप चिंता मत करो, धन के बोरे भरे, सारे मनी लॉन्ड्रिंग वाले नहीं हैं ये, ईडी नहीं, जो दूसरी एजेंसियां हैं वो भी अपनी गति तेज कर सकती हैं। हमने कई बार बताया टैक्सेशन की चोरी के लिए, हमने यहाँ सरकारों को पत्र भी दिए कि भैया वैट का खरीद घोटाला है, जीएसटी का है, वो बगैर पे की वहाँ उन लोगों ने ये माल खरीद लिया है बगैर कर चुका है, तो वो थोड़े सक्रिय हो जाए। मैं ज़्यादा वो कहते हैं आलोचना तक भाव ज़्यादा अच्छा नहीं होता, मैं सिर्फ सुझाव तो शिक्षा तक रखूँ। धन्यवाद।